नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गुरुवाणी विचार में। और इससे पहले कि मैं आज की चर्चा शुरू करूं बग्गा साहब के साथ और उनका स्वागत करूं, मैं आपको जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारा कार्यक्रम है बेसिकली हिंदी में है। जो गुरुवाणी के जो शब्द होते हैं वो बेसिकली गुरुवाणी भाषा में है और ये उन सभी लोगों के लिए है जो गुरुवाणी भी समझते हैं और हिंदी भी समझते हैं। तो विशेषकर हिंदी भाषी लोगों के लिए मग्गा साहब ने ये जो 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 शब्द है उनका भावार्थ और अर्थ समझाने की कोशिश की है। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि आप यदि इनको आपको अच्छा लगता हो तो और भी अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोग गुरुवाणी के इन शब्दों का इन वचनों का फायदा उठा सकें। तो एक बार आपका फिर से सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है बग्गा साहब आपका भी आज के हमारी इस चर्चा में। और आज क्या लाए आप हम सबके लिए एक नया संदेश? आज का भी शब्द जो है वो भगत नामदेव जी के द्वारा उच्चारित वाणी है जी। गुरु ग्रंथ साहब में राग आशा में दर्ज है जी। और इस शब्द में जो है वो ये बता रहे हैं कि भाई मैं जो है ये जो मौत के डर रूपी जो गले में फांसी डरी रहती है उसका डर रहता है, मौत का डर रहता है, इसको मैं कैसे ओवरकम कर रहा हूँ। अच्छा, बेसिकली इस शब्द में विचार ये है कि भाई जो हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के भय से कैसे बचा जा सकता है कर रहा हूँ। तो इसलिए जो है मेरे को मौत से डर नहीं लगता, आई एम नॉट फियरिंग डेथ नाउ। रामदेव जी जी तो मैं शब्द पढ़ता हूँ वो जो है इस प्रकार है। मन मेरो गज, जेबा मेरी काती, मप्पी मप्पी कार्टून जम की फांसी, कहा करू जाती कहा करू पाती, राम को नाम जपू दिन राती, रहो रांगनी रांगू सीवनी सीवू, राम नाम बिन घरी न जीवू, भक्ति करू हर के गुन गावू, आठ पहर अपना खसम ध्यावू, सोने की सुई रूपे का धागा, नामे का चित हर्षो लागा। ये पूरे शब्द है और इसमें जो है जो जो, जो भाव निकल रहा है उसका जो है ये इसमें क्या है, देखिए जो भगत लोग थे पुराने जमाने में मेटाफर बहुत यूज करते थे, समझाने किसी बात को समझाने के लिए मेटाफर यूज होते थे। तो इसमें भी जो है मेटाफर जो है कहाँ का यूज हुआ है वो मैं बताऊंगा आपको। मैं तो जो सेंट्रल पॉइंट में वो कह रहे हैं नामदेव जी, कहा करो जाति कहा करो पाती, भाई मेरे को मेरी जात और पात से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि पहले टाइम में क्या होता था कि जो जिनको जो लोग नीच जात वाले समझते थे उनके लिए हरि नाम का सिमरण करना या नाम लेना उसको अलाउड नहीं होता था। उनके लिए सोचते ये आपका अधिकार नहीं है। तो नामदेव जी कह रहे हैं मेरे को मेरी जाति और मेरी पाति से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाउ आई एम बियॉन्ड दिस, क्योंकि मैं तो दिन रात जो है उस हरि प्रभु का नाम ही जप रहा हूं। अब राइट, तो अब वो कह रहे हैं कि ऐसा करने से क्या हो रहा है कि मन मेरो गज जेबा मेरी काती, मैंने अपने मन को जो है ना वो यार्ड स्टिक बना लिया है, मेजरिंग स्टिक होता है ना गज, तो बोले कि मन को मैंने अपना वो मेजरिंग स्टिक बना दिया है और जेबा मेरी काती और जो मेरी जीबा है उसको मैंने कैची बना दिया है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि मप मप काटू जम की फांसी, अब मैं जो है जो मौत के डर की जो रस्सी है जो मेरे गले में बंधी हुई है उसको मैं अपने मन रूपी गज से डाप रहा हूँ और जेबा रूपी जो कैची है जो जिससे मैं नाम जप रहा हूँ उससे मैं उसका जो है कटिंग कर रहा हूँ, काट के उसको मैं दूर कर रहा हूँ। तो ये देखो ये मेटाफर, ये पहला मेटाफर आ गया यार्ड स्टिक एंड कैची, मतलब मन से मैं उसको डाप रहा हूँ और जीव से उसको मैं नाम जप के जीवा से उसको काट रहा हूँ, उसको मैं ओवरकम कर रहा हूँ। फिर दूसरा आगे कह रहे हैं कि रांगनी रांगू सीवनी सीवू, राम नाम बिन घरी न जीवू। नामदेव जी थे वो भाई प्रोफेशन वो थे अपना कपड़े जो रंगने वाले होते हैं,
अच्छा अंग्रेज कपड़े को रंग चढ़ाने वाले होते हैं, छिपा छिपा बोलते हैं, उसके भी रेफरेंस वो थोड़ी उसका आया था बात कि रंगनी रंगू, मैंने अपने मन की जो मटकी है, मन रूपी जो मटकी है उसको मैंने रंग लिया है, मैं रंग रहा हूँ और मन को जो है मैं सिल रहा हूँ, सी हूँ। राम नाम बिन घरे न जीवू, मैं उस प्रभु हरि प्रभु के नाम के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह रहा हूँ, एक पल भी मैं उससे अलग नहीं हूँ, अलग राइट। आगे वो कह रहे हैं भक्ति करूं हर के गुण गाऊं, और मैं जो है हरि के गुण गाते हुए मैं उस हरि प्रभु की भक्ति कर रहा हूं, हरि के गुण गायन के द्वारा मैं उस हरि प्रभु की भक्ति कर रहा हूं। मैं आठ पहर अपना खसम दिया हूं, और इस प्रकार मैं आठों पहर जो मेरा जो खसम है, खसम मतलब जो हस्बैंड है हरि प्रभु, खसम सबका खसम एक ही है, हम तो सब जो है वो नार है, बाकी खत्म सब एक ही है। मीरा मीरा ने भी यही कहा था। हाँ तो आठ पहर अपना खसम ध्याऊंगा, और इस प्रकार मैं आठों पहर अपने उस हस्बैंड का जो है उस पे मेरा फोकस रहता है हमेशा, आठों पहर। अब आगे कह रहे हैं सोने की सुई रुपए का धागा, अब जो है गोल्ड की मैंने जो है सुई ली, सुई और चांदी का जो है उसमें वो धागा है, धागा है। तो नामे का चित हर्षो लगा, इस प्रकार जो है नामदेव जी का चित जो है वो हरि के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो है सोने की सुई, वो किसका जिक्र कर रहे हैं, सोने की सुई मतलब गुरु का सब्दू, हरि हरि का जो नाम है, सब्दू जो है उसको उन्होंने कहा है सुई। और रुपए का धागा और उसका जो सिमरण है उसको जो कंटिन्यू सिमरण करना है उसको कहा है चांदी रूपी धागा, धागा राइट। तो मैंने वो जो है सोने की सुई और वो चांदी का धागा जो है गुरु का शब्द और उसका सिमरण ले लिया है, और इसलिए मेरा चित जो है वो हर वक्त जो है वो हरि प्रभु के साथ जुड़ा रहता है, उसको सिल लिया है मैंने, वो जो है रांगनी रांगू शिवनी शिवू, अपना अंदर मैंने जो अपनी जो शरीर रूपी बटकी है उसको मैंने रंग लिया है, रंग लिया है। और अपने मन को जो है प्रभु प्रभु के साथ उसको सिल दिया, सिल दिया है राइट। और सिलने के लिए मैंने जो सुई धागा जो यूज किया है वो बता रहे हैं यहाँ पे, सोने की सुई चांदी का धागा, तो ये भी मेटाफर है कि यहाँ पे सोने की सुई क्या है, हरि प्रभु का नाम उसका शब्द, और धागा क्या, उसका सिमरन सिमरन उसकी तरंग, देख लो कितना स्पष्ट क्लियर मैसेज दिया है, दिया हुआ है। यहाँ पे ये विचार पूरी ये कर रहे हैं, इस प्रकार जो है मेरे को जो है जो मौत का जो डर है मेरा बिल्कुल खत्म हो गया है मेरा, आई एम नाउ आई हैव ओवरकम, आई एम ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ लाइक दिस। तो दिस इज द ओवरऑल मैसेज ऑफ दिस सबक। एक बार सर इसको पूरे से मतलब दो चार सेंटेंसेस में पूरा समझा दीजिए, मतलब इसका संक्षिप्त में, मतलब वो जो कहते हैं ना समरी करके पूरे सबक की। ये इसमें ये बता रहे नामदेव जी कि जो 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 फियर ऑफ डेथ है वो मैंने कैसे कैसे दूर कर रहा हूँ, कि मैंने अपने मन को जो है दो तरीके बता रहे हैं। मैंने अपने मन को जो है यार्ड स्टिक बना लिया है, मेजरिंग स्टिक बना लिया है, और जीभ को मैंने कैंची बना लिया है, और इसलिए मैं उसको नाप के वो जो रस्सी है उसकी डर की रस्सी है, मौत के डर की रस्सी को जो है मैं उसको मन रूपी गज से नाप रहा हूँ, और जेवर रूपी कैची से नाम के द्वारा उसको काट रहा हूँ। मतलब ये है कि जो मौत का डर है वो हरि नाम के द्वारा ही काट रहा हूँ मैं, काट रहा हूँ, जिसमें मैं मन को यूज कर रहा हूँ एज ए यार्ड स्टिक, और जीवा को यूज कर रहा हूँ एज ए कैची, कैची ठीक है, कैची फॉर याद करके भगवान का नाम याद करके। इस प्रकार मेरी जो मौत रूपी जो डर की जो रस्सी है वो कट रही है, काट रहा हूँ मैं। और दूसरा कह रहे हैं कि मेरा चित्र जो है वो उससे प्रभु हरि प्रभु से कैसे लगा हुआ है, बाय मेकिंग यूज ऑफ सोने की सुई रुपए का धागा। तो मतलब गुरु का शब्द जो है जो प्रभु का नाम है वो मैंने बना दिया सुई, और उसके सिमरण को बना दिया मैंने चांदी रूपी धागा। तो इस सुई धागे से मैं जो है अपने मन को जो है प्रभु के साथ में सिल रहा हूँ और उससे जुड़ा हुआ। स्पष्ट हो गया, मतलब अब एकदम स्पष्ट हो गया कि किस तरह से मृत्यु का भय रैदास जी ने बताया कि उन्होंने दूर किया है, और नामदेव जी नामदेव जी ने और
हम सबके लिए भी यही संदेश है कि मृत्यु का दूर इस तरीके से हम भगा सकते हैं। और आप भी ऐसे ही जो है करोगे तो आपका भी जो है बहुत से डर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और आप एक निश्चिंत अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। आप प्रभु चरणों से जुड़ सकते हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि पहला है काम करना है, मौत से डर कैसे दूर करना है उसका तरीका, फिर प्रभु से कैसे जुड़ना है उसका तरीका, उसका तरीका। ये दोनों इस एक शब्द में बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया गया है। यस सर, तो हम चर्चा अपनी इसी के साथ समाप्त करते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे बग्गा साहब, और आज जो ये शब्द बताया आपको किस तरह से आपको मृत्यु का भय हटे इसके बारे में संदेश दिया गया, आशा आपको अच्छा लगा होगा। और जिस तरह आप अब तक हमारे शब्द और विशेषकर जो पिछला शब्द आपने भारी संख्या में भारी सुना, उसी तरह आप इसको भी सुनेंगे, इसके भी लाभ उठाएंगे और हमें एनकरेज करेंगे कि हम और आपके सामने इस तरह के शब्द और उनका विश्लेषण प्रस्तुत कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी को, और बग्गा साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत शब्द के लिए। थैंक यू सो मच।